ये खेल आखिर किस लिए? मन नहीं उठता। कई कई बार तो खेल चुके हैं ये खेल हम अपनी जिंदगी में। खेल खेला है, खेलते रहे हैं, नतीजा फिर वही एक जैसे। क्या बाकी रहता है, हासिल क्या होता है? जिंदगी भर एक दूसरे के अंधेरे में गोते खाना, क्या यही इश्क है? आखिर किस लिए? एक कहानी है, सुनाओ। कहानी दो प्रेमियों की, दोनों जवान, खूबसूरत, अकलमंद। एक का दूसरे से बेपनाह प्यार, कस्मों में बंधे हुए कि जन्म जन्म एक दूसरे के साथ निभाएंगे, मगर फिर अलग हो गया। नौजवान फौज में चला गया, गया तो लौट कर नहीं आया, लापता हो गया। लोगों ने कहा मर गया होगा शायद, मगर महबूबा अटल रही, बोली वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। पूरे 40 सालों तक वो साधना में रही, वफादारी से इंतजार किया। आखिर एक रोज महबूब का संदेशा मिला, मैं आ गया हूं शिमा वाले मंदिर में मिलो। कहने लगी देखा मैंने कहा था ना। दौड़ कर गई मंदिर पहुंची, पर प्रेमी ना दिखाई दिया। हां एक आदमी बैठा था, एकदम बूढ़ा, पोपला मुंह, दांत, गंजी, आंखों में मैल। बोली यहां तो कोई नहीं, जरूर किसी ने शरारत की। मायूस होकर घर लौटी। वहां मंदिर में इंतजार करते करते वो भी थक गया, कोई नहीं आया, चिड़िया का बच्चा तक नहीं आया। हां एक बुढ़िया आई थी, कमर से झुकी हुई, बाल उलझे हुए, आंख में मोतियाबंद। मंदिर में झांक के देखा, कुछ बड़बड़ाई और अपने ही साथ बात करती हुई दूर चली गई। निराश हो गया बेचारा, बोला उसने इंतजार नहीं किया, गृहस्थी रचा कर मुझे भूल गई। संदेशा भेजा था फिर भी मिलने तक नहीं आई, किस लिए? आखिर किस लिए खेल? मन नहीं उठता। हैप्पी बर्थडे गुलजार, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दिस इज कर्नल प्रदीप, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स डियर गुलजार। दिस इज फ्रॉम सिकंदराबाद, साइनिंग ऑफ। Thank you. Happy birthday once again.